26 अप्रैल साल 1986 की रात 1 बजे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पावर 1500 मेगावाट से 30 मेगावाट तक गिर गई और रिएक्टर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जब रिएक्टर अपनी फुल पावर से 120 टाइम ज्यादा पर पहुंच गया जिससे सारा रेडियो एक्टिव फ्यूल डिकम्पोज्ड हो गया और एक्स्ट्रा स्टीम प्रेशर की वजह से प्रेशर ट्यूब्स फट गए जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया। इसका जहरीलापन हिरोशिमा में हुए ब्लास्ट से 400 टाइम्स एक्स्ट्रा था। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में रेडियो एक्टिव डस्ट चेरनोबिल और उसके आसपास के शहरों में फैल गई। प्लांट से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रिप्यात नाम का शहर जिसकी पॉपुलेशन 49,000 थी, ब्लास्ट के 36 घंटे के बाद पूरी तरह से खाली करा लिया गया और जो लोग बचे वो रेडिएशन की वजह से मारे गए जिसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन 0 हो गई और ये शहर आज भी उसी तरह खाली पड़ा हुआ है। हिस्ट्री में इस ब्लास्ट को चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है।